नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भूगोल की शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरीय लहरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जब समुद्र की सतह का जल बारी बारी से ऊपर चढ़ता और नीचे गिरता है तो उसे लहरें कहते हैं। तूफान के दौरान हवाएं बहुत बड़ी बड़ी लहरों के साथ तीव्र गति से चलती हैं और भयंकर विनाश का कारण बन सकती हैं। समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन समुद्री जल के विशाल मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। समुद्र में भूकंप आदि का कारण उत्पन्न 15 मीटर ऊंची तक लहरें सुनामी कहलाती हैं। अब तक मापी गई सबसे बड़ी ऊंची सुनामी लहर 150 मीटर ऊंचाई की थी। ये लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से चलती। वर्ष 2004 में आई सुनामी के कारण भारत के तटीय इलाकों में बड़े पैमानों पर नुकसान हुआ था। इस सुनामी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। तो यह थी महासागरीय लहरें। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक है ज्वार किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।